नेता तो केवल जातिवाद पे बनाते हैं बस, कि मैं हिंदू मैं मुसलमान, बस इस पे ख़त्म कर देते हैं अपनी डिबेट। केवल जो करते हैं वो हिंदू मुसलमान पे करते हैं, उन्हें यौन दिखाई देता कि कोई युवा है, कोई बच्चा है, उसका फ्यूचर क्या देखना है, उन्हें कोई समस्या नहीं इस बात की। उन्हें केवल अपना ये देखना है कि अपना हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन जीतना है, कैसे जीता जाएगा। ये मेरा लड़का है और ये रेस में काफ़ी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ भी वही है कि ये भी रेस में कहीं ग्राउंड ढूंढ पा रहा। मेरा नाम अर्जुन मैत्रे है, मैं मीरापुर निवासी हूँ और मैं यहाँ पर छोटे से ग्राउंड में खेलता हूँ। यहाँ पर कोई भी ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ MCA से। है ना, अपना टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड का अभाव है कस्बे में हमारे। राजनीति की बात करें, बहुत सारे लोग जो है वादा करते हैं लेकिन ग्राउंड कोई दिला नहीं पाए। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज़ अपने अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक ज़मीनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश चुनाव की पहुंचा रही है। और इस समय पहले चरण में जहां मतदान होना है वो मुजफ्फरनगर उस जनपदों में से एक जनपद है, और यहां पर शामली और बागपत भी वो जनपद है, मेरठ भी, लेकिन उसका हम बाद में आपके पास लेके जाएंगे। पहले मुजफ्फरनगर में पहुँचे हैं और मुजफ्फरनगर जो है उसकी ये मीरापुर विधानसभा है जो दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। और ये भी हम आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है ये NCR में आता है। और यहाँ पर हम रैंडमली ऐसे ही मूवमेंट करके लोगों से बात करके जानना चाहते हैं कि चुनाव में क्या माहौल है। मीरापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंदन चौहान हैं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ मौलाना सालिम कुरैशी को लड़ा रही है और मौलाना जमील को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व में विधायक रहे हैं। प्रशांत चौधरी को यहाँ भाजपा लड़ा रही है, और प्रशांत चौधरी जो हैं वो बागपत के मूल के रहने वाले हैं, हल्का गाज़ियाबाद में उनका अपना कारोबार है। पत्नी उनकी लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ी थी बागपत से। और उनके जो MLC हो रहे हैं, तो अंदर चलते हैं, यहाँ बता रहे हैं कुछ लड़के खेल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। बात कर सकते हैं आपसे? हाँ जी सर, जी सर, बताइए। आपका नाम जान लें? मोहम्मद इनाम। इनाम, तो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं? जी क्रिकेट खेल रहे हैं सर। और पढ़ाई लिखाई क्या की है? मैंने सर ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहीं के रहने वाले हैं पास के? मीरापुर के रहने वाले हैं पास में, यही मोहल्ला मुस्तरक है, वहीं से बिलोंग करता हूँ सर, मीरापुर से। मीरापुर से बिलोंग करते हैं। तो इनाम, यहाँ जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं भैया, तो ये तो ग्राउंड तो लग नहीं रहा? हाँ सर, बस टेम्परेरी जो है ना अपना टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि ग्राउंड का अभाव है कस्बे में हमारे। ग्राउंड है नहीं सर खेलने के लिए वैसे, तो हम थोड़ा अपना टाइम पास कर लेते हैं। एक ये स्कूल है SSS बाईपास पर, तो अपना टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा यहीं पर क्रिकेट खेल लेते हैं क्योंकि ग्राउंड का अभाव है। ग्राउंड नहीं है हमारे पास में, बड़ी समस्या है सर। बहुत सारे जो है ना, मतलब यहाँ पे अगर हम राजनीति की बात करें, बहुत सारे लोग जो है वादा करते हैं लेकिन ग्राउंड कोई दिला नहीं पाया। अच्छा, यहाँ ग्राउंड इसलिए नहीं है कि यहाँ के नेता जो हैं वो ग्राउंड दे नहीं पा रहे हैं, या इसलिए नहीं है कि यहाँ खिलाड़ी नहीं है? नहीं सर, खिलाड़ी बहुत हैं, बहुत बड़ी प्रतिभाएं हैं यहाँ पर सर, बहुत सारी प्रतिभाएं हैं यहाँ पर, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ग्राउंड का ही अभाव है। प्रतिभाओं के अगर मैं नाम आपको गिनवाना शुरू करूँगा तो सर आप दंग रह जाएंगे। प्रतिभाएं बहुत सारी हैं हमारे कस्बे में लेकिन ग्राउंड का अभाव है सर। ग्राउंड का अभाव है। आपसे बात करें? हाँ आप, रवि, क्या आपका नाम है? रवि, रवि बताया आपने। मेरा नाम रवि है। सर यहाँ पे प्रतिभाएं तो बहुत सारी हैं, और देखो हमारे यहाँ गौरव त्यागी जैसे बड़े महान प्लेयर रहे हैं, संदीप फूर्ति जैसे महान प्लेयर रहे हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका केवल एक ही अभाव है, मीरापुर के अंदर कोई फील्ड नहीं हो पाया। और देखो मैं भी खेलता हूँ, अच्छा खेलता हूँ, लेकिन ग्राउंड नहीं मिल पाया। अब हम इसमें छोटे से ग्राउंड में खेल रहे हैं। देखो ये ग्राउंड है, यहाँ ऊपर आउट है, बीच में आउट है, यहाँ छक्का है, यहाँ छक्का है। तो बताया था कि मीरापुर विधानसभा है ये, और यहाँ पर कुछ लड़के जो हैं वो खेल रहे हैं क्रिकेट। तो गांव देहात में गले क्रिकेट जिस तरह की होती है, उसके तो हम आपको बाद में उसके शॉर्ट्स दिखा देंगे, लेकिन पहले हम ये जानने की कोशिश जरूर करते हैं कि गांव देहात में जो बच्चे खेलते हैं वो आजकल आप देख रहे हैं पूरे भारत में क्रिकेट का कई द्वार खुल गए हैं, कई व्यापक विस्तार हो गया है। जैसे IPL आ गया है, Under-19, Under-16, Under-14, विजय हजारे ट्रॉफी, मानकर ट्रॉफी, बहुत किसी के नायडू ट्रॉफी, और बहुत सारा क्रिकेट हो रहा है। लेकिन गांव देहात की प्रतिभाएं जो हैं वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए आज हम बिल्कुल गांव के बीच आए हैं। हमने बताया था कि ये मुजफ्फरनगर जनपद का मीरापुर कस्बा है। तो आपका नाम जान लें हम? जी मोहम्मद आलम, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आप क्रिकेट खेलते हैं? जी जी। कब से
क्रिकेट खेल रहे हैं आप? वो मैं 6 साल से खेल रहा हूँ। 6 साल से? जी जी। 6 साल की उम्र से? तो आपको क्या परेशानी दिखती है मोहम्मद आलमी? यहाँ यहाँ पे मैदान नहीं है, तो यहाँ पे खेलने के लिए यहाँ पे बहुत मतलब परेशान है लड़के, मतलब खेलने के लिए यहाँ मैदान नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं देता है। यहाँ पे चेयरमैन भी हमारे यहाँ पोस्ट के, हमने चेयरमैन साहब से भी उनका बेटा बना के देगा, अब तक कुछ नहीं बना के दिया यहाँ पे हमें। और सब लोग यहाँ पे सारे वैसे खेल रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे खेलने के लिए। हाँ, आपका नाम हम जान लें। मेरा नाम अर्जुन मैत्रे है, मैं मीरापुर निवासी हूँ और मैं यहाँ पर छोटे से ग्राउंड में खेलता हूँ। यहाँ पर कोई भी ग्राउंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ MCA से। मुजफ्फरनगर हम मैच खेलने के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रैक्टिस के लिए एक भी ग्राउंड उपलब्ध नहीं है। किसी ने भी यहाँ पर ग्राउंड की व्यवस्था नहीं कराई। अर्जुन, किसी ने भी नहीं कराई? जैसे मीरापुर कस्बा है, तो जितना हम जानने की कोशिश की है कि लगभग 30,000 आदमी यहाँ रहते होंगे और उनमें लगभग 10,000 के आसपास यूथ भी होंगे, तो कुछ सैकड़ों की तादाद में क्रिकेट भी खेलते होंगे, दूसरे खेल भी। तो क्या क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है? दूसरा खेल जो होते हैं, जैसे कबड्डी होता है, खो खो होता है, या दूसरे खेल फुटबॉल होता है, दूसरा किसी खेल का कोई विस्तार नहीं है? कोई यहाँ पर किसी भी तरह के खेल के लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं की जा रही है। बच्चे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, रनिंग की तैयारी करते हैं, वो सड़क पर करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के लिए ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। सड़क पर जब रनिंग करते हैं तो कोई हादसा भी हो जाता होगा? जी बिल्कुल, होता है हादसा। आप लोग जो, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ विधायक चुन के आते हैं या सांसद चुन के आते हैं या जिनको आप चेयरमैन चुनते हैं, जो भी आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आप उनसे डिमांड नहीं करते हैं? बहुत डिमांड की, लेकिन किसी ने भी ग्राउंड की व्यवस्था नहीं बना कर दी अभी तक। खेल का मैदान होगा तो आपको क्या लगता है कि आप लोग जो हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप आगे कहीं जा पाएंगे खेलने के लिए? बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी प्रैक्टिस के लिए व्यवस्था नहीं है। जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर वो ठीक खेल लेते हैं तो वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं कहीं? जी बाहर चले जाते हैं, मेरठ चले जाते हैं, मुजफ्फरनगर चले जाते हैं। यहाँ से MCA के लिए ट्रायल भी होते हैं, लेकिन ग्राउंड की वजह से कोई आगे निकल नहीं पाता। बाहर जाने में क्या दुश्वारियाँ हैं, किस तरह की कठिनाई आती है यहाँ से बाहर जाने में? कुछ नहीं, कोई आर्थिक रूप से परेशान होता है, इस वजह से नहीं जा पाते बाहर। पैसे की व्यवस्था नहीं होती हर किसी के पास, इस वजह से बाहर नहीं जा पाते लोग। यहाँ व्यवस्था है नहीं? देखो, सरकारों का काम है ना, ये सरकारों का काम है, पहले की सरकार, उससे पहले की सरकार, उससे पहले की सरकार, सरकारों का काम है कि वो युवाओं की स्किल को डेवलप करने पर ध्यान दें, उनको प्रमोट करें और उनको आगे बढ़ने में मदद करें। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है? अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई। सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं अर्जुन? पूरी गवर्नमेंट को, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। और वो जिन नेता यहाँ चुनकर आते हैं उनको? उनको भी, विधायक जी हुए हैं जो, उन्होंने भी, अवतार सिंह बढ़ाना रहे हैं, उन्होंने भी कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं कराई। हमारे चेयरमैन सर हैं, उन्होंने भी कोई ग्राउंड की व्यवस्था नहीं कराई अभी तक। अच्छा ठीक है, आप ना अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं अर्जुन। यहाँ नेता चुना कैसे जाता है, मतलब नेताओं का जो चुनाव होता है वो किन क्वालिटीज को ध्यान में रख करके चुनाव होता है? यही सारी फैसिलिटीज के लिए, जो अच्छी अच्छी व्यवस्था देगा उसे बना देते हैं, चुनाव जिता देते हैं, नेता बना देते हैं, लेकिन कोई भी अपना वादा पूरा नहीं करता। हाँ, तो वो उनका, उनको क्या क्या वादा वो करते हैं जो आपको याद रहता हो कि ये वादा उन्होंने किया था और फिर पूरा नहीं किया है? हमें तो एक ही वादा याद रहता है, उन्हें ग्राउंड बनाने के लिए कहा था, जो कि पूरे 2017 में चुनाव हुए थे, उससे अभी तक 5 साल बीत चुके हैं, एक भी ग्राउंड नहीं बना। जी ठीक है, ये चूंकि खिलाड़ी हैं तो इनको तो एक ही चीज़ याद है। आपका नाम हम जान लें कि ग्राउंड नहीं बना? मेरा नाम मोहम्मद इनाम है सर, मोहम्मद इनाम। मैं देख रहा हूँ कि आप सीनियर क्रिकेटर हैं, लड़के आपको बहुत रेस्पेक्ट दे रहे थे, तो आपको कितना टाइम हो गया खेलते हुए? सर मैं तो लगभग 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहा हूँ सर। और अभी आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र है सर 32। 22 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं आप? 32। हाँ, 22 साल से क्रिकेट, 22 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं ना आप? बिल्कुल। 10 साल का आपने खेलना शुरू किया और 32 साल के आप हैं, तो 22 साल से इनाम आप क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन आपको भी ये परेशानी दिखाई दी कि अगर खेल ग्राउंड होता, आप प्रतिभाशाली क्रिकेटर दिखते हैं, तो अगर ग्राउंड होता तो आप भी कहीं कम से कम थोड़ा बहुत कहीं IPL में कहीं एडजस्टमेंट हो जाता? नहीं सर, देखो IPL की जैसे आप बात कर रहे हैं सर, संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है हमारे कस्बे में। यहाँ पे जो है ना, अगर पॉलिटिक्स की बात करी जावे तो चेयरमैन भी बनते हैं बहुत सारे, मतलब चेयरमैन बनते हैं, हर बार वादे करते हैं ग्राउंड के लिए, लेकिन कोई भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाता। तो ग्राउंड का अभाव है, इसी वजह से जो जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन्हें आगे जाने का अवसर नहीं मिल पाता। अच्छा ये बताइए इनाम, ये खेल का मैदान नहीं है या खिलाड़ी नहीं है?
खिलाड़ी सर बहुत सारे हैं, अगर अभी भी आप बॉल फेंकने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अभी इतने सारे देखिए, एक बार देखिए सर कितने सारे खिलाड़ी खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये सब क्रिकेट खेलना जानते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा खेल है इन लोगों का, लेकिन सर अभाव, संसाधनों का अभाव। सबसे पहले क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड हमारे पास नहीं है तो फिर कहाँ खेलेंगे, गली में, कूचों में, जंगलों में, खेतों में, कॉलोनी में, यहीं खेलेंगे सर बस। अच्छा इनाम, 22 साल का आपका अनुभव है गली क्रिकेट का, तो ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, तो ये बताइए कहाँ कहाँ क्रिकेट खेले हैं आप? सर देखिए हमारे कस्बे में जो है ईदगाह कॉलोनी पे, तालाब पे और ट्रिपल एस स्कूल पे जो है ना ज़्यादा क्रिकेट खेला, डिग्री पर क्रिकेट खेला है, और एक जामन वाली का जो सनातन धर्मेंद्र कॉलेज है वहाँ उसके। मैं जगह का नाम नहीं पूछ रहा, मेरा उद्देश्य आप समझिए, मैं जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट खेलते कहाँ हैं, जैसा आपने कहा खेत में, कब्रिस्तान में, और कहीं मतलब पगडंडी पे, मतलब मैदान अगर नहीं है तो आप वैकल्पिक मैदान के तौर पर किस जगह को चुनते हैं? सर अभी तो हम फिलहाल ट्रिपल एस स्कूल में खेल रहे हैं। आप कहाँ कहाँ खेले हैं? उसके अलावा सर मैंने बताया तो है आपको कि जो है ना जो मैंने जगह के नाम बोल दो कुछ, सर कब्रिस्तान में खेल ले, झुंडों में खेल ले, सर कॉलोनियों में खेल ले, इतनी इतनी सी जगह, इतनी इतनी सी जगह जहाँ छक्का स्पीड से लगाते थे हम, ऐसे छक्का मार देते थे। हाँ मतलब बाहर जाने आउट है, बाहर जाने आउट है, सही पकड़े सर आपने, बिल्कुल जो है ना बाहर जाना आउट होता था, तो इस वजह से जो है ना हम बहुत बड़े शॉट नहीं मार पाते थे, कि दूसरे के घर में चली जाती थी, नुकसान हो जाता, तो हमें जो है ना ग्राउंडेड ही खेलना पड़ता था। सर यहाँ पे चेयरमैन भी बने हैं, विधायक भी बने हैं, हर पार्टी के बने हैं और सांसद भी बने हैं, लेकिन मीरापुर के अंदर 32,000 का पोलिंग है मीरापुर के अंदर, और आज तक किसी ने एक फील्ड प्रोवाइड नहीं कराया। तो वो प्रोवाइड क्या कराते हैं, मतलब वो जैसे जैसे देखिए इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही है, आप जानिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपकी जो उम्र है वो 30 साल के आसपास होगी, तो आपने 3 या 4 विधायक तो देख ही लिए होंगे, तो 3-4 विधायक देख लिए होंगे, 3 या 4 चेयरमैन आपने देख लिए होंगे, तो ये डिस्कस है। तो आपने जब इतना सारा विधायक और चेयरमैन अब तक देख लिए हैं, तो वे लोग काम क्या करते हैं, वादा क्या करते हैं, आपकी डिमांड क्या होती है? सर हमारे यहाँ पे कोई भी विधायक आता है, बात का जवाब मैं देना चाहता हूँ सर, जैसे हम लोग यूथ है तो यूथ की दो ही डिमांड होती है, यूथ को जो इंटरेस्ट होता है वो खेल में होता है, तो यूथ क्या डिमांड करेगा कि उनको खेल का मैदान मिल जाए और जो है वहाँ फैसिलिटी मिल जाए अच्छी अच्छी खेलने के लिए, लेकिन सर जब वही डिमांड पूरी नहीं होगी तो फिर यूथ क्या करेगा, उनको तो खेलना है, फिर वो घर में खेलेंगे, कब्रिस्तान में खेलेंगे, झुंडों में खेलेंगे, कॉलोनी में खेलेंगे, प्लॉट में। आपका नाम भैया? रवि राठी है मेरा नाम। रवि राठी, किस तरह की समस्या आपको यहाँ है? मुझे सबसे बड़ी समस्या तो है ग्राउंड की, और मैं आपको बता दूँ कि मैं एक 100 और 200 मीटर का जिला लेवल का चैम्पियन रहा हूँ रनिंग का, और मेरे साथ में जो सबसे बड़ी समस्या यही हुई है कि मुझे फील्ड नहीं मिल पाया कि मैं आगे और कुछ कर पाऊँ। आज मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का है और ये रेस में काफ़ी अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ भी वही है कि ये भी रेस में कहीं ग्राउंड ढूंढ पा रहा। तो इसको आपको जो है अगर प्रैक्टिस करानी है, खिलाड़ी बनाना है, तो आपको इसे अपने टाउन से, कस्बे से बाहर भेजना पड़ेगा। मुझे सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुझे अपना कस्बा छोड़ना पड़ेगा, अपना ज़िला छोड़ना पड़ेगा ग्राउंड के लिए। ये मुजफ्फरनगर ज़िला है ना? ये मुजफ्फरनगर ज़िला है, और देखो मेरा बेटा आज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के नेता ना बहुत हाइप करते हैं, बहुत अपना आपको जो है बड़ा नेता दिखाते हैं पूरे देश में, और बड़े हवासी बनाते हैं, और ये मुजफ्फरनगर ज़िले का हाल है कि बच्चे जो हैं वो उनको भविष्य खेल में भी ग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है। नेता तो केवल जातिवाद पे बनाते हैं बस, कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, बस इस पे ख़त्म कर देते हैं अपनी डिबेट, केवल जो करते हैं वो हिंदू मुसलमान पे करते हैं, उन्हें यौन दिखाई देता कि कोई युवा है, कोई बच्चा है, उसका फ्यूचर क्या देखना है, उन्हें कोई समस्या नहीं इस बात की, उन्हें केवल अपना ये देखना है कि अपना हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन जीतना है, कैसे जीता जाएगा। ऐसे लोगों को जैसे रवि, आप तो नौजवान हैं और ये मानते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जहाँ तक जमाने के चलाने की बात है, तो आप लोग जो हैं वो तो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ऐसे नेता जो जात धर्म की बात करते हों, सांप्रदायिकता की बात करते हों, उन लोगों को बांटने की बात करते हों, मुसलमान में, हिंदू में, जाति में, ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग बोलते क्यों नहीं हैं? सर बोलते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ ऊपर जाती नहीं, कौन पहुँचाएगा आवाज़, नहीं पहुँचाती, मीडिया गवर्नमेंट की है। जिसकी गवर्नमेंट उसकी मीडिया।
अच्छा ये बताइए कि इतना मोमेंट, जैसे आपने तो कितने साल के आप हैं रवि? मैं 36 साल का हूँ। रवि तुम्हारा तकलीफ जो है वो इसलिए अपनी सी लग रही है क्योंकि आप एक अच्छे खिलाड़ी थे, बनना चाहते थे, आज बेटे को बनाना चाहते हैं, तो या तो आपके पास ये विकल्प है कि आप ये टाउन छोड़ करके शहर में चले जाएं, या फिर ये है कि आप जो हैं वो फिर रोजगार की क्या स्थिति है? मान लीजिए अगर आप शहर में जाते भी हैं तो वहाँ खर्च ज़्यादा होता है गाँव से, और जा क्यों नहीं सकते हैं? मनी प्रॉब्लम, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, लॉकडाउन लग जाता है, कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी प्राइवेट कंपनी हमें निकाल देती है, हमारे साथ में 100 प्रॉब्लम है सर। हम आपको बता दें, हम अपने चेयरमैन से बात करें, चेयरमैन ख़त्म, हम विधायक से बात करें, विधायक ख़त्म, विधायक आता ही नहीं, सांसद का पता ही नहीं कौन है, वोट ले गया जीत गया अपने घर पड़ा, पता ही नहीं कौन है। अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं, अब इसमें बाहर बाहर के आ रहे हैं, कोई नोएडा का है, कोई मुजफ्फरनगर का है, ये बाद में गायब हो जाएंगे। ना मुजफ्फरनगर का पावे, ना बिजनौर का पावे, ना बागपत पावे, ना नोएडा का पावे। तो मीरापुर विधानसभा जो है उसमें गाजियाबाद का बागपत का प्रत्याशी चुनाव लड़ने आ गया है, ये बाहर के आ रहे हैं, प्रशांत चौधरी बाहर के हैं। पहले वाले जो विधायक थे वो बाहर के थे, वे आज तक दिखाई दिए, हमने तो एक बार सिकल बढ़ाना थे वे कोई, मैं ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता, अवतार सिंह बढ़ाना बाहर के थे, हेलीकॉप्टर वाले आदमी हैं वे, हेलीकॉप्टर उतार दिया, जनता को बुला लिया और फिर हेलीकॉप्टर दिखा कर चले गए, आज तक नहीं दिखाई दिए। रवि आपका दर्द जो है ना वो बिल्कुल एकदम सच्चा लग रहा है, तो ये हेलीकॉप्टर वाले नेता जो आते हैं ये इन लोगों को चुनते क्यों हैं फिर? आप अपने लोकल का अपना आदमी क्यों नहीं चुनते जो आपकी सुने आपकी कहे? सर हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे, हम तो चुनते हैं अच्छे आदमी को, लेकिन वो बाद में बुरा बन जाता है, हमें राजनीतिक आदमी लोकल का चाहिए। कितनी बार धोखा खाओगे दोस्त? इस बार नहीं खाने के। मेरा नाम रवि मलिक। रवि जी आप भी क्रिकेट खेलते हैं? जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या आप करते हैं, मतलब बैटिंग करते हैं बॉलिंग? मैं ऑलराउंडर हूँ। कितने समय से क्रिकेट खेल रहे हैं? मैं करीब 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आप तो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो। जी जी काफ़ी। क्रिकेट पर क्यों अपना फ्यूचर नहीं देखा? क्रिकेट पे फ्यूचर ना देखने का सवाल सर ये है कि सुविधाओं का अभाव। सबसे पहले खिलाड़ी को क्या चाहिए होता है? ग्राउंड खेलने के लिए। ग्राउंड कहीं नहीं है इस मीरापुर में। मैं मीरापुर में पिछले 6 साल से रहता हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि इस मीरापुर की ये हालत है कि मतलब पिछले 5-6 साल से जहाँ तक मैं इसको समझाऊँ कि यहाँ जो भी नेता आता है बाहरी नेता आता है, जीतता है और चला जाता है। और बड़े आदमियों ने एक कहावत कही है कि कब्र का हाल मुर्दे को पता है। अगर कोई लोकल का नेता होगा तो उसको यहाँ कितना अभाव है। इवन कि खेल भी आप छोड़ दीजिए, जो बड़े बच्चे या नौजवान जो तैयारी करते हैं रेस की, मैं देखता हूँ रामराज जाते हैं, बैसुमा जाते हैं, इधर बिजनौर जाते हैं ग्राउंड में रेस लगाने के लिए। इवन उनके लिए फिजिकल के लिए रेस लगाने की भी सुविधा इस मीरापुर में नहीं है। अगर रोजगार के लिए भी, अब एक बेरोजगार आदमी, एक 20 साल का 21 साल का नौजवान, उसके पास इतना तो बजट नहीं होगा कि वो डेली रामराज चला जाए या बस में किराया या बाइक का पेट्रोल फूक के बिजनौर जाएगा रेस करने के लिए। तो यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले तो ग्राउंड, और सबसे बड़ी समस्या है मीरापुर की ग्राउंड, और ग्राउंड का ना होना सबसे बड़ा रीजन है कि बाहरी नेताओं का यहाँ से बार बार चुनाव जीत करके चले जाना। हाँ रवि जी, कितनी पढ़ाई लिखाई आपने की है? मैं MSc BEd हूँ सर। MSc BEd हैं आप, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये तो पूछना हमारा मुनासिब है नहीं कि आपको कितना वहाँ पैसा मिलता है, लेकिन ये ज़रूर हम पूछ सकते हैं कि आप नहीं सोचते कि आप जो हैं वो जैसे गवर्नमेंट टीचर होते हैं तो उधर अपना भविष्य को समझते हों? सर इस गवर्नमेंट ने रोज़गार भी नहीं दिए, फॉर्म निकाले, पेपर आउट। आप पिछले 4 या 5 साल में देखो कि मैंने 2016 में MSc कर ली थी, 2018 में BEd हो चुका था, उसके बाद मैं 2 या 3 बार पेपर दे चुका, रिजल्ट अटका पड़ा है। अभी भी नवंबर में टेट का एग्ज़ाम हुआ था, अब वो कैंसिल होकर के अब फिर जनवरी में टेट का एग्ज़ाम है, 23 तारीख है। तो कुल मिला के अपने भरण पोषण के लिए प्राइवेट स्कूल में जॉब करनी है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी MSc BEd मतलब इतना पढ़ा है तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ वो नहीं गया, प्रयास सबके हैं, हमारे भी हैं, लेकिन बस वो है कि अभाव है रोजगार का। ये तो ये TAT का जो एग्ज़ाम आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो TAT का एग्ज़ाम ये आपने भी दिया था जो लीक हुआ था? जी मैंने भी दिया था। तो जब लीक होने का पता चला आपको तो उस समय तो आपको कष्ट हुआ होगा?
जी बिल्कुल दुख हुआ था, मतलब जो इवन बंदा मेहनत करता है, अपनी तैयारी करके जाता है, अपना आप ये समझो कि बेरोजगार आदमी किराया फूंक करके जाता है वहाँ पे, और पेपर मिलने के बाद एक घंटे होने के बाद ये फिर ये फरमान है कि ये तो कैंसिल हो गया पेपर, तो इवन दुख तो बनता ही है, होता ही है। अच्छा जैसे आप MSc बीएड हैं तो आप तो वेल एजुकेटेड हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो अलग बात है कि वो आपका गुण है, लेकिन ये नौजवान जो होते हैं जब ये सब चीज़ों को समझते हैं, खासकर मुजफ्फरनगर में जब सब चीज़ों को समझते हैं कि उनको रोज़गार चाहिए, उनको डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, अच्छा खेल का मैदान चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जब वोटिंग होती है तो वो बट जाते हैं और उनके उनके जहनों पर, उनके मन मस्तिष्क पर दूसरे मुद्दे जो हैं वो आ जाते हैं, कैरी कर जाते हैं। तो आपको लगता है कि सरकारों को ऐसी सरकारों को चुनना चाहिए जो सही जवाबदेही जिनसे की जा सके? मैं आपको बताऊं, अभी चुनाव है हाल फिलहाल में, चुनाव फिलहाल जोरों शोरों पर है, उनकी तैयारियां मीरापुर से जहाँ तक मुझे पता है जितने भी प्रत्याशी हैं यहाँ सब बाहरी प्रत्याशी है, कोई मुजफ्फरनगर का है, कोई नोएडा का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। तो ये तो हाईकमान को सोचना चाहिए कि आप जिस क्षेत्र से किसी नेता का चयन कर रहे हो, चुनाव लड़ा रहे हो, तो वो उस क्षेत्र का हो जो वहाँ का, मतलब वहाँ क्या सुविधा होनी चाहिए, वहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को वही तो जानेगा। अब अगर मीरापुर क्षेत्र से कोई नेता चुनाव लड़ रहा है और रहने वाला नोएडा का है, तो उसे यहाँ की बेसिक चीज़ पता होगा कि किस चीज़ की कमी है? उसे नहीं पता होगा, उसे केवल इतना पता होगा कि यहाँ वोट बैंक कितनी जाट वोट है, कितनी मुसलमान वोट है, कितनी दलित वोट है, और कितनी वोट से तेरा चुनाव निकल जाएगा, बस उसको ये पता होगा। परफेक्ट, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है रवि मलिक जी, तो ये बात हमारी समझ में आती है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं तो वे ऐसे, जैसे यहाँ पर 5 साल अभी विधायक थे अवतार सिंह बड़ाना जो हरियाणा के रहने वाले हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो 3-3, 4-4 साल तक क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, तो ये राजनीतिक पार्टियाँ जो होती हैं इतना साहस कहाँ से जुटा पाती हैं कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी भेज देती हैं? दरअसल इसमें तो सर देखो, ये तो हाईकमान को ही पता होगा, लेकिन जहाँ तक हम लोग समझते हैं, मतलब जो कह नहीं सकते ये सच है या रूमर्स है कि टिकट खरीदे जाते हैं, अब ये चीज़ हम नहीं, इस चीज़ को हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि नेता टिकट खरीदते हैं, लेकिन जो रूमर्स है, जो आम जनता को पता होता है कि जो जितने ज़्यादा पैसे देता है वो टिकट, अब अवतार सिंह बड़ाना को ले लीजिए, अवतार सिंह बड़ाना यहाँ से विधायक बने थे मीरापुर से, उसके बाद उन्होंने MP का चुनाव लड़ा कांग्रेस से हरियाणा में जा करके, उसके बाद अब फिर वो MLA का चुनाव लड़ रहे हैं लोकदल से जेवर से जा करके, आज वो भी छोड़ दिए। तो मतलब उस नेता की क्या बैकग्राउंड है और क्या हाईकमान उसको समझती है, जो कुछ दिन पहले भाजपा में था, फिर कांग्रेस में था, आज लोकदल में है, तो क्या सोचती है कि कल वो किस पार्टी का होके रहे? तो आपका नाराजगी ना कई तरह की है, एक नाराजगी तो यह है कि राजनीतिक पार्टी जो है ऐसे कैंडिडेट को लड़ाती क्यों है, और एक ये है कि ऐसे दल बदल कैंडिडेट आता क्यों है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नौजवान जो है वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, मतलब बताते क्यों नहीं है, ऐसा कैंडिडेट अगर आता है तो 2-4 जगह विरोध होना चाहिए कि आप तो आप क्यों लड़ने आ गए, आपको पता है हमारी परेशानियां क्या है, आप लोग जवाब दे, क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? दरअसल समस्या तो ये है ना सर, जो बेरोजगार आदमी है वो अपनी खुद से परेशान है, वो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकता, और फिर आप भी समझ दोगे कि 4 आदमी सही काम के लिए इकट्ठे नहीं होंगे, गलत काम के लिए हो जाएगी भीड़ भी। अगर कोई सही प्रोटेस्ट करना है, सही आंदोलन करना है किसी के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति, तो 4 आदमी ढूंढे नहीं मिलेंगे। एक्चुअली आंदोलन नहीं होता है, डिमांड होती है, मतलब सरकारों के खिलाफ आंदोलन नहीं होता है, सरकार से डिमांड होती है कि सरकार हमारे लिए तो काम करती है, मतलब आप नौजवानों के लिए, जनता के लिए, महिलाओं के लिए, काम करती है, उनसे डिमांड होती है, तो डिमांड तो कर सकते हैं ना कि ये कर दो, डिमांड होती भी रहती है सर, फेसबुक ट्विटर ये सब चीज़ें आप देखते भी रहते होंगे, काफ़ी पोस्ट भाई गवर्नमेंट के खिलाफ भी लोग पोस्ट करते रहते हैं जो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आपका क्या नाम है भैया? मैंने शुभम शर्मा है सर। शुभम शर्मा, आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने BCom MCom LLB। आपने BCom MCom LLB कर ली है, तो वेरी गुड। और शुभम, आप को भी कोई रोजगार है, अभी कुछ करते हैं? नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है मेरी। यहाँ खेलते हैं कहाँ करके? हाँ सर, यहाँ पे मैं ऐसा है रनिंग करके फिर यहाँ खेलने आ जाता हूँ मैं, थोड़ा स्टैमिना बूस्ट करने के लिए। स्टैमिना बूस्ट कर रहे हैं, तो कोई भर्ती भी आपने ट्राई की है? हाँ सर, भर्तियाँ ट्राई किया, लेकिन मीरापुर में कोई ग्राउंड नहीं है रनिंग का, इस वजह से या तो हमको रामराज जाना पड़ता है या बिजनौर या मुजफ्फरनगर, यहाँ पे तो रोड पे ही दौड़ना पड़ता है, खतुल्ली वाली रोड है जिसको कहते हैं, कई बार हादसा भी होता है, साथी खिलाड़ियों को टक्कर वक्कर लग जाती है, तो यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है सर। नहीं, कोई सरकारी भर्ती ट्राई की है जैसे, है ना? हाँ सर, अभी UPSI का पेपर दे रखा है सर मैंने, लेकिन उसका भी पता नहीं चल रहा है, धांधली है, रिजल्ट रोक रखा है सरकार ने अभी तक, उस पर भी।
मौन है सरकार अभी। यूपीएसआई का एक ही आपने एग्जाम दिया है, इससे पहले भी कोई ट्राई? इससे पहले भी काफी एग्जाम दिए हैं, उनमें एक्चुअली ग्राउंड ना होने की वजह से मेरा फिजिकल नहीं हो पाता सर, फिजिकल में रह जाता हूँ मैं हर बार।